पापा ये जस्सी अमेरिका से नहीं आया है बल्कि इसके पीछे तो आगरा की पुलिस पड़ी हुई है ये फ्रॉड है जस्सी अब देखना जेल की हवा खाएगा तब तुझे पता चलेगा पिंकी इसके बाप को भी अरेस्ट कर ले साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसके बाप को धर लेते हैं एक मिनट पिंकी अंकल ये जीजा जी हैं है? देखिए ये जस्सी नहीं बोला था ये चाहता था कि इसके पापा बने नाटक करें और जीजा जी चाहते थे कि इसकी असलियत हम सबके सामने आए इसलिए इसके पापा बनने का नाटक कर रहे थे और मुझे मुझे ये सब पहले से पता था सच्ची बता रही हूं मैं हाँ सेठ जी जाते जाते ना आप पिंटू और पंचू की सच्चाई ना सुन लीजिए मुझसे ये जो पिंटू है ना और जिसे पंचू अपनी बीवी बताता है वो लड़की नहीं है वो लड़का है, है? इन दोनों की शादी नकली है ये दोनों मिलकर ना आपको उल्लू बना रहे हैं अरे पिंकी जी अरे इसे थाने मत ले जाओ इसे सीधा मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ देखो क्या क्या बक रहा है क्या क्या बक रहा है ये बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी चल तुझे थाने ले जाकर पिंकी जी तेरी सबसे पहले तो वायरिंग ठीक करेंगे वायरिंग क्या रहे तेरा फ्यूज ही बदल डालेंगे बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ अबे वहां का देख रिया धर इसको पकड़ इसको आ जा भाई चल 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 पंचम वाह कमाल कर दिया तूने तूने इस लड़के का बाप बनके जो है मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली भाई वाह देख इनाम का तो तू हकदार है बता तुझे क्या चाहिए सेठ जी हम बस आपसे अरे मुझे पता है मुझे पता है इधर कुछ ना चाहिए लेकिन मैं तुझे वो देना चाहता हूँ जो मुझे देना है किधर आ बन जाऊ भाई मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है तू हमेशा खुश रहे सेठ जी मेरे तो भाग्य फूट गए लाइफ में टंटे हो रखे हैं कंजूस पापा की अरे बेटा तू अपने पापा से मुंह मोड़ेगी अब बहुत बुरी हूं ना मैं बहुत तंग करती हूँ आपको इतनी बुरी हूं कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर देना चाहते हैं नहीं बेटा नहीं मैं तो तेरे भले के लिए ये सब पापा कैसा भला यार इसमें अगर मैं उड़ना सीख जाऊंगी इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये घोंसला मेरा नहीं रहेगा पापा बच्चे शैतानी करते हैं लेकिन उसके लिए माँ बाप डांटते हैं उन्हें ना कि उनसे दूर हो जाते उन्हें अलग कर देते उन्हें दूर भेज देते ऐसा नहीं होता है पापा ये गलत है इलायची बेटा मैं तो तुझे एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता था इसलिए मैंने सोचा कि तू विदेश जाके खुश रहेगी पापा कैसे भूल सकते हैं आप मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे ये पिज्जा ये बर्गर इन सबका शौक नहीं है पसंद क्योंकि मुझे तो समोसे और कचौरियां पसंद है वो भी बिट्टू हलवाई की दुकान की और कैसे सोच लिया आपने कि आपसे दूर जाके आपकी इलायची खुश रहेगी नहीं पापा और एक बात समझ लीजिए आप मैं वो पराया धन वाली बेटी नहीं हूं बल्कि मैं आपका खुद का धन हूं तो हमेशा हमेशा आपके गले में रहेगी कहीं नहीं जाएगी तो ठीक है बेटा तेरा ये कंजूस बाप ना
अपने इस पराए धन को कहीं भी दूर नहीं जाने देगा। सुन, घर जमाई ला बनाऊंगा किसी को, और तुझे हमेशा अपने कलेजे से लगा के रखूंगा बेटा। I love you, पापा। I love you, बेटा। जीजाजी छत पर है? आप जी लाइसी जी, जीजाजी छत पर हैं और आप ही का इंतजार कर रहे थे। सच्ची? मुच्ची। इलायची जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे? जस्सी अगर फ्रॉड नहीं निकलता तो क्या आप हमें छोड़कर, मतलब हम सबको छोड़कर चले जाते क्या? जीजा जी, अगर वो दुनिया का सबसे सीधा बंदा भी होता ना, तब भी मैं कहीं नहीं जाने वाली थी। तो फिर एलाइची जी, आपने जस्सी से शादी के लिए हाँ क्यों करी? वो तो इसलिए ताकि आपको मेरी वैल्यू समझ में आए जीजा जी। और वैसे भी अगर मैं चली गई ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, और आपका बीपी कौन बढ़ाएगा फिर? और कौन आकर कहेगा जीजा जी छत पर है? अब नहीं नहीं इलायची जी, दरअसल क्या है कि बूबू के अलावा अगर कोई हमारा हालचाल पूछता है तो वो आप है। मतलब वो अलग बात है कि हाल बेहाल करने वाली भी आप ही हैं। आप ये सब छोड़िए जीजा जी, वो उस दिन आप रो रो के कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ बताना चाहते थे मुझे। आई लव प्लीज सर, अपना वाक्य कंप्लीट करेंगे आप? बोल दीजिए प्लीज। एलाइसी जी छोड़िए ना, हम आपको गाना सुना देते हैं। नो जीता जी, गाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे तो वो थ्री मैजिकल वर्ड्स सुनने हैं। जल्दी से सुनाइए, जल्दी से बताइए। जी एलाइसी जी, पर यही बोल दें। हाँ तो मतलब अभी आपके लिए मोहल्ले वालों को जगाओ, बोलो पहले महफिल लगाओ, फिर जीजा जी बोलेंगे। यार जीजा जी कम ऑन, ये हम दोनों के बीच की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, बस बोल दो, बताओ ना यार। जी 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 इलायची जी, बोलते हैं, हम बोलते हैं। आप इलायची जी बोलिए। हाय हाय यार, I love जी आगे लाची जी। I love लाची जी। I love my India। अब I also love my India। जीजा जी की आएगी मधुर आवाज। हाँ, इस बंदे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अबे अबे पानी की शब्द क्या? अबे जीजा जी, ये पानी का नल कह रहा है कि जैसी वो आपके गाने की आवाज सुनेगा फिर से चालू हो जाएगा। हमें पता है कि पानी आपने बंद किया है, चुपचाप पानी खोल दीजिए, वरना हम वरना क्या हम। हाँ जीजा जी प्लीज, आप चंबल के डाकू मत बन जाया करो, चालू हो जाते हो हर बार, धमकियां देते रहते हो मुझे। अरे यार आप पे एक ही चीज सूट करती है, वो है रोमांटिक गाने। जल्दी से रोमांटिक गाना सुना दीजिए, वो भी पूरे मूड के साथ प्लीज। कैसी फालतू बातें कर रही हैं आप, हम गुसलखाने में नहाने आए और गाने नहीं आए। जीजा जी आपको पता नहीं, जो एक्चुअल बढ़िया सुर होते हैं ना, वो डायरेक्टली बाथरूम में लगते हैं, तो प्लीज अब नाटक मत दिखाइए, बहाने मत मारिए, मुझे सब पता है। इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज पानी खोल दीजिए। इलायची जी,
हमारी आंख में साबुन चला गया। दीदी प्लीज, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने बड़े एक्टर भी हैं। मुझे पता है कोई साबुन वाबुन नहीं गया, अब नाटक मत कीजिए, शुरू हो जाइए प्लीज, बड़ा मूड है मेरा। जी, मजाक की हद होती है यार, अब इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ पे आंखों में बम पटाखे फूट रहे हैं और आपको मजे आ रहे हैं लाइची जी। जीजाजी ठीक है, इतनी भी क्रूर नहीं हूँ मैं, चलिए डील करते हैं, आप मुझे एक मुखड़ा सुना दीजिए और उसके बाद पक्का मैं पानी स्टार्ट कर देंगे, ओके? देखिए लाइची जी, आप ये ठीक नहीं कर रही है, मजाक की भी हद होती है यार, और आज आप अपनी हद पार कर रही है। जीजा जी बस करो, इतना क्यों फैल रहे हो, इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा गरम तवा नहीं बनो मेरे लिए। तंग करके रख दिया आपने हमें। कुछ ज्यादा ही नहीं फदक रहे आप जीजा जी, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, ओके? पछतावा होता है हमें, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमने आप काम कर लिया। क्या आपने मुझे मनहूस कहा? हम आपको मनहूस नहीं कह रहे, हम उस घड़ी को मनहूस कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई झूठ बात नहीं है कि आप भी कम मनहूस नहीं है। अरे यार इतनी दिक्कत है तो चले क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ चले जाएंगे हम, अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना, अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना, अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। माँ का दूध हमने पिया है लाइची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इधर देखो सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बालों में सफेदी आ रही है, चांदी सी जमा हो रही है चांदी, क्या कर रहे हो, डाई करवा लो, बहुत दिन हो गए। अबे रहने दे, अभी बहुत कम है सफेद, बात कर रहे हैं जब होंगे तब देखा जाएगा। सेठ जी ऐसी बातें कर रहे हो जैसे चांदी इकट्ठी कर करके सिठाने के लिए पाजेब बनवानी हो, डाई करवा लो ना फालतू। और मौसा घूम लिए चांदनी चौक जी, बताओ फिर क्या हाल है, क्या नई खबर है ताजी? अबे छोटे मैं कोई पूरा का पूरा अखबार थोड़ी हूँ, मैं तो अखबार के सिर्फ राशिफल वाला पन्ना हूँ, समझा बेटा? अरे तो मौसा जी मेरी जगह देख के बताओ कि आज का दिन कैसा निकलेगा, कितनी कमाई होगी बताओ जरा। अच्छा हाँ अभी बता देते हैं, क्या बात, एक मिनट रुक जा। ऐसा सेठ जी, बहुत बुरी खबर है, तुम्हारा अपना कोई बहुत ही करीबी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और उसके जाते बहुत भारी नुकसान होगा, जी मैं कह रहा हूं गारंटी से। मुझे छोड़कर कोई चला जाएगा, करूं तो ना, अरे ना 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 ना, ना करूं ना जाए। सीढ़ी तुम समझे ही ना मौसा की बात। मौसा ने जी कहा तुम्हारा बहुत अपना तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, भारी नुकसान बोला ना, तो भारी नुकसान जब होगा तो सेठानी न जाएगी, मैं बताऊं कौन जाएगी? बात कर रहा बेकार की तू भी। हाँ भाई, किसकी भविष्यवाणी बोली जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अच्छा मौसा जी, जरा पिंकी जी की भी कुछ भविष्यवाणी कीजिए, बताइए कुछ, मतलब कहीं कोई ट्रांसफर वांसफर तो ना लिखाया कहीं? अबे तू तो मेरी छाती पे ही बैठेगा। साहब जी मैं तो ये कह रहे थे कि आप कुछ ना कह, तू मंगीलाल मुंह बंद रख, सिल्ले मुंह अपना, तू तो चाद भी, तेरी औकात क्या है पिंकी जी के सामने बोलने की, तू है कौन, तू तू वो मच्छर है जिसे पिंकी जी क्यों ताजी मार कैसे मसल के फेंक दे, डेंगू की औलाद कहीं का बीमारी फैला सकता है सिर्फ तू, तू मेंढक है वो बरसाती मेंढक जो सिर्फ टट्टर करता है, यूं उड़ा दे तुझे, तुझे पता है यूं ना कुत्तों के भौंकने से शेर की चाल में कोई फर्क नहीं होता। मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, तू क्या कह रहा था? अबे
वो लगता है कि पिंकी जी थोड़े मतलब थोड़ा ज्यादा जोश में आ गए आज। अरे मंगीलाल, अरे कहाँ चला गया तू मंगीलाल? मैं आ रही जरा बजरा दे। अरे मंगीलाल कहाँ गया तू मंगीलाल? मैं भी देख के आ रहा हूँ कि मुझे छोड़ के कौन जा रहा है। अरे से अरे बच्चों कैसी सेठ जी? और इलायची कैसी है? लो अब मैं ही बचाऊं। मौसा यहाँ आओ। बोल ले बेटा क्या बात है? मिल गई तसल्ली? दूसरे का कर दिया दिन खराब, अब मेरा भी कर दो। मेरी बताओ भविष्यवाणी क्या है, क्या लिखा कैन में? बोलो काला काला कुछ बोलो मनुस। अरे कुछ बोलने भी देगा, देखने तो दे। बेटा बहुत बुरी खबर है, तेरा अपना कोई बहुत ही बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसे तेरी सख्त जरूरत है इस समय, समझा? जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मैं ये कह रही हूँ गारंटी से कि बाद आम खाओ, तुम भूल रहे हो मौसा, मौसी बीमार है, हॉस्पिटल में है। अरे अरे यार मैं तो भूल गया। बेटा ऐसा कर तू अस्पताल चला जा, मौसी अकेली है, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। अरे तुम दवाई क्यों लाओगे? दवाई मैं ले आऊंगा, मौसी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम हॉस्पिटल जाओ। अरे बेटा तेरी मौसी ने अस्पताल में आने से मुझे सख्ती से मना कर दिया है। उसका बोलना है कि मैं जब भी अपनी मनुष्य शक्ल लेके उसके सामने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मनुष्य बात बोलूंगा और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, समझा? चलो जा बेटा। जी जी। अरे चटंकी भैया। अरे जी जी। हाँ? क्या बना रही है भैया? तेरी कुकर की सीटी ने हमें बुला लिया और हम दौड़े दौड़े चले आ रहे। आज राजमा बना रही हूँ चटंकी भैया, तुमको बहुत पसंद है ना? और बताओ मीठे में क्या बनाऊँ? अरे मेरी जी जी तू मेरा कितना ख्याल रखती है, मुंबई में चटंकी का इतना ख्याल कौन रखेगा? यकीन ना मानेगी, अगर हमारी कमर में दर्द नहीं हो जाता तो हम तुझे मुंबई ले जाते अपने साथ में। कर दिया चटंकी भैया तुमने जो मुंबई के थाने से तुम्हें बुलावा आया है, देखो सच सच बताना। कैसी बातें कर रही है तू है? मैं पुलिस वालों से दूरी बना रही हूँ और तू पुलिस वालों के साथ में रिश्ता जोड़ रही है। अरे थाने में ना बुलाया चटंकी को, बुलावा आया नौकरी से हमें। क्या? और क्या, ये चमत्कार कैसे हो गया चटंकी भैया, सच्ची बोलो। अरे क्या बताऊं तुझे जी जी, कल मुझे पता चला कि मैं पुलिस वालों से कितना डरने लगा हूँ। गली में आ रहे थे कल मैं, समझ गई? अब आज आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, समझ गई? और मैं दौड़ लगा दी, बाद में पता चला कि पतंग कट गई, बच्चे मारे लूट रहे हैं। छटंकी भैया क्या बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आया सिटी के चक्कर में। तेरे समझ में आ जाता तो इस आदमी से शादी करती। कल जो है ना मुझे समझ में आया कि मैं पुलिस वालों से कितना डरने लगा हूँ। कल गली से गुजर रहा था मैं, पीछे से आवाज आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और मैंने दौड़ लगा दी, बाद में पता चला बच्चों की पतंग कट गई, माजल उठ रहा है। इतनी आदत पड़ गई मेरी भागने की, बता बहुत परेशान हो गया मैं। अब मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकता, अब जाकर के मुंबई में शराफत की जिंदगी गुजारूंगा बस। तुम्हारा अपना कोई बहुत ही करीबी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और उसके जाते बहुत भारी नुकसान होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है छटंकी भैया। किसी भी हालत में ये छटंकी यहाँ से जाना नहीं चाहिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे साले साहब, सुबह से दिखाई ना दिए तुम, है सब ठीक तो है? समझ में ना आ रही है बात। जीजा जी ये तू से तुम पे आ गए, ऊपर से साहब लगा रहे हो, समझ में ना आई बात हमारे भैया? अरे तू भी कैसी बातें कर रहा है, इसमें समझने वाली बात क्या है? तू भी ना है, मेरे दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत है, सच बता रहा हूँ। और मैं तो ये समझता हूँ कि तू बड़ा होकर ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जीजा एक बात बोलूं, जितना बड़ा होना था मुझे मैं हो गया हूँ, अब और क्या बड़ा होऊंगा मैं? अरे देखो कितना बोला बनने आई। अरे बेटा माँ बाप की नजरों में बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है और तू तो मेरा एकदम बेटे की तरह है। जी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने क्या खिलाया है? भलती बातें कर रहे हैं आज। चल छट्टू,
मैं पहली बार जिंदगी में अपनी भाषा बोल रहा हूँ। तू तू क्या कह रहा था कि मुंबई चला जाऊंगा? अरे तुझे ऐसे थोड़ा जाने दूंगा, तेरी बहन के पल्लू से बात कर रखूंगा। और तेरे बिना क्या मैं जी पाऊंगा पगले? मुझे नहीं मालूम था कि तू मुझे इतना प्यार करता है। इतना सगा है मेरा, अब जिंदगी भर मैं तेरी छाती में बैठकर मूंग डालूंगा। मैं कसम से बता, रुला दिया तू। इधर आ। शराफत से रही हो, है? कितना शरारती है ये। अरे आजा। हाथ ले। पर बदमाश। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.